अर्चना जी, हमारी लाइफ जो है म्यूजिक के बिना अधूरी है. आप देख लो, आज से 50 साल पहले शादियों में जो गाना बजता था वो आज भी बजता है. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों. अच्छा, और रिश्तेदार ऐसे नाच रहे होते, एक तो बारात लेके जा रहा है वो, ऊपर वीर रस वाला गाना, फूफा और जीजा के वैसे दो दो पैक लगे होते हैं. हम पीछे लोग गोलियां चला रहे हैं, दूल्हे ने हाथ में तलवार पकड़ी है. लगता ही नहीं दुल्हन लेने जा रहा है, ऐसा लगता है प्लॉट पे कब्जा लेने जा रहा है ये. अरे सबसे मुश्किल काम होता है वो बड़ा वाला भोपू नहीं होता जो जिसको गले में डाल लेते जयमाला की तरह. गाना कोई भी बज रहा हो ना, जैसे सुबह से गाना बज रहा है आजा शाम होने आई, उसका एक ही बजेगा. उसकी इतना वो ज्यादा बज ही नहीं सकता, दो बार ज्यादा उसकी आंखें बाहर आई होती, फांसी नहीं लगी होती जैसे. अच्छा, लेडी संगीत जब होता है उसमें एक लेडी ऐसी होती है जिसको ढोलक बजानी आती है, एक ही बीट आती है उसको, तो वो फिर एक ही बीट पे सारे गाने निपटा देती है. चिकनी चमेली, चिकनी चमेली, हवा चढ़ा के आई, फिर गाना चेंज. जिमी जिमी जिमी, आजा आजा. ये सूट पहन के आती है उस दिन, साड़ी में ढोलक घुसती नहीं ना ऐसे. तो ये 3 घंटे बजाती रहती, फिर टांग सो जाती. इनको काम बोले ना आंटी, वो ले रहा है, मेरे पैर सो रहा है, टांग सो जाती. लेकिन रात को जैसे ही बताशे और समोसे बटने का टाइम आता ना, यही लेडी जो बोली थी मेरी टांग सो रही है, 6 लोगों का पैर कुचल के भागती है. अच्छा, लेडी संगीत में एक और औरत होती है जिसका एक ही टैलेंट होता है, ढोलक में ना चम्मच बजाना. जैसे ढोलक बज रही ना, ये हाथ की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, 15 मिनट के बाद ऑटो पायलट मोड पे लग जाता है ये टक 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 चलता रहता है. साथ में बैठा बच्चा रहता ना, उसकी नाक भी पहुंच जाती है, टक टक टक, चल निकल, चल निकल जा, चल. हां जी शाबा. ऑर्केस्ट्रा वाले आप देखें कभी, उनका ना अंदाज बड़ा मजेदार होता है. कि जब बोलते हैं ना, अनाउंसमेंट करते हैं, जो होस्ट होता है, अब मेहरबान कदरदान, शादी के हसीन मौके पे दूल्हा दुल्हन के लिए हमारी खास पेशकश है. और जैसे दुल्हन एंटर करती है, पूरा फील लेता है गाने का. बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब. दूल्हा तलवार लेके बैठा भड़क रहा होता है कि साला इतना फील तो मैंने नहीं लिया जितना ये ले रहा है. दुल्हन मेरी है, तेरी थोड़ी है. और कस्टमर ना ऐसे पुराने, मैंने देखा एक सिंगर ऐसा जरूर होता है जो लड़का लड़की दोनों की आवाज में गाता है. दुल्हे की सालियो ओ हरे दुपट्टे वालियो जूते दे दो, फिर वही गाना जब लड़की की लाइन आती है खुद ही चेंज कर लेता है. दुल्हन की देवर तुम निकलाओ ना यूते. यार बड़े मजेदार चीजें होती है. एक आदमी था, उन्होंने एक बच्चे को ऐसे देख लिया, बोलते बेटा ये तेरी उम्र है, ऐसे नहीं करना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए. उसका फोकस देखो, उसका कितना क्लियर है मांगने वाले का. वो हटाने उसने फिर शुरू कर दिया, पापी पेट का सवाल है, पेट का मतलब किलर. गांव में आज भी कई लोग पुराने गाने सुनते हैं. एक चाचा मैंने देखा गाना सुन रहे थे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे. मैंने देखा, मैं कहा वाह अंकल, आप अल्ताफ राजा के फैन लगते हैं. कहता भाई मैं अल्ताफ राजा ही हूं. पुराने जमाने के आप रेडियो जो जॉकी होते थे उनका ना, आजकल जितने भी आते हैं ना बड़े एनर्जेटिक से आ गए हैं. हम देख रहे हैं ये फलाना फलाना, वो कुछ ना कुछ फास्ट फास्ट बोलते रहते हैं. पुराने लोग जो बड़े ठहराव से बोलते थे. आकाशवाणी केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध भारती, समय हुआ है 4:56. इस रंगारंग कार्यक्रम में पहले गाने की फरमाइश की है झुमरी तलैया से सोहन मोहन राकेश और उनके बहुत से साथियों ने. हीरानगर और कानपुर से फरमाइश की है बब्बन गुड्डन बलबीर और उनके बहुत से साथियों ने. गीत है फिल्म जंगली से मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसका संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, गाने के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने. आइए सुनते हैं शम्मी कपूर पे फिल्माया गया ये गीत, आइए या करूं मैं क्या सुकू सुकू. मुझे लगता है कभी कभी यार ये अपनी बीवी से भी ऐसे ही बात करते होंगे घर जाके. जी हाँ श्रीमती जी, आपकी खास फरमाइश पे लेके आया हूँ टमाटर, धनिया, गोभी, शकरकंद और बहुत से आलू, जिसे खाने की फरमाइश की है हमारे गुड्डू मुन्नू और उनके साथियों ने. आहा. अच्छा, ये सास बहू वाले डेली सोप देख लो आप, इनका सारा मजा बैकग्राउंड म्यूजिक में.
अगर इनमें से बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल दो आपको मजा ही नहीं आएगा. सपोज अगर कोई लड़की डायलॉग बोल रही है, मैं भी देखती हूँ तू मेरा घर छोड़ के कैसे नहीं जाती, कोई मजा नहीं है. यही अगर आप म्यूजिक के साथ देखो ना, मैं भी देखती हूँ तुम मेरा घर छोड़ के कैसे नहीं जाती, एक फील आता है. सीरियल में तो म्यूजिक काम करता है, बॉलीवुड में तो बहुत ही ज्यादा काम करता है. सारी साइंस लगी हुई, सारे साइंटिस्ट लगे हैं, सारे डॉक्टर पागल हुए पड़े हैं, माँ की याददाश्त नहीं वापिस आ रही. लेकिन बेटा जैसे गायक ना, जिंदगी हर कदम एक नहीं माफती है. रवि तू आ गया, म्यूजिक की पावर. म्यूजिक जो होता है ना, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है. जैसे अगर किसी लड़का लड़की को नया नया प्यार हुआ ना, तो लड़के का गाना ऐसा होता है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. लेकिन वो रब जब अब 3-4 दिन बाद अपने रंग दिखाता ना, उनका गाना चेंज हो जाता है. हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने, काले काले बालों ने. अच्छा पहले कई ऐसे सुना है हमने कि तानसेन जब होते थे इतने महान गायक थे कि जब वो गाते थे कांच टूट जाता था ऐसे. एक बार ये दिनेश गा रहा था, कांच टूट गया, ये बड़ा खुश कहता मेरे में तानसेन आ गया. मैं कहा बाहर देख तेरा पड़ोसी आ गया, उसने पत्थर मारा है, अभी तेरा सर फोड़ने आ रहा है. वो गाना नहीं चाहिए करना. अच्छा म्यूजिक सिर्फ इमोशन से ही नहीं जुड़ा होता, कभी कभी इमोशन से भी जुड़ा होता है. कभी कभी आप देखना आदमी अंदर बैठा होगा ना, सिचुएशन ऐसी होती, जाते ही बैठा तो उसके गाने ऐसे होते हैं. अभी जा, अभी जा. अब देखना आदमी जिसको बड़ा ऐसे फाइनल स्टेज पे ही होता है प्रेशर, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है. नॉर्मल आदमी ऐसे रहता है ना, तो जिसका काम खराब हुआ रहा था वो ऐसे रहता है. फिर उसको पता है मैंने जरा सा सांस भी तेज ली ना तो इधर. ऐसा ही नहीं है कि म्यूजिक ही सिर्फ आपको एंटरटेन करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. मैं अपने यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और क्या क्या करते हैं. आप जी कोई है? फर्स्ट ऑफ ऑल कपिल आई लव यू. थैंक यू सर, लव यू टू. शुक्रिया. एंटरटेनमेंट करने के लिए कपिल जी घर पे आके मेरा एक ही फंडा है, म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं चाहिए. अच्छा जी, आके बीबी को छेड़ दो. बीबी को छेड़ दो, अपनी बीवी है किसी और की, ये गड़बड़ हो जाएगी. आपके साथ आई है आपकी वाइफ. नमस्ते जी, कैसी हैं आप? क्या बोलते हैं आपको आके, ऐसे ही करते हैं? इतना छेड़ते कि मैं बहुत खुश होती हूँ. और जब मेरे को कभी कुछ काम करवाना होता है इनसे, हाँ. तो मैं इनको कहती हूँ कि मेरा ये काम कर दो, आपको कपिल के शो की कसम. अच्छा. तो इतना फटाफट काम करते मैंने कोई एपिसोड मिस नहीं किया आज तक आपका. थैंक यू सो मच सर. कहाँ वैसे आए, कहाँ से आप? उदयपुर राजस्थान. अरे वाह, बड़ी ब्यूटीफुल शहर से आए आप. आपके लिए मैंने दो लाइन लिखी है. हाँ जी प्लीज मैम. ओ कपिल तेरा शो देखे हम, तेरा शो देखे हम, हर दम हंसते हंसते रहे हम. जय हो. Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.